नमस्कार, आज हमें इंदौर कलेक्टर कार्यालय के पास में, कल यहां पर नगर निगम ने अतिक्रमण की कार्रवाई करी और यहां पर बड़ी संख्या में ठेलों को जब्त किया गया। उस दौरान नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेले वालों के साथ मारपीट भी हुई, आपस में विवाद भी हुए, कई ठेलों को गिरा भी दिया गया और बड़ी संख्या में यहाँ पे सामान, सब्जी, फल भी खराब हुए। आज इन ठेले वालों से जानते हैं कि इनकी परेशानियां क्या हैं, नगर निगम किस तरह से कार्रवाई कर रहा है। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। कल यहाँ पर जो घटना हुई, किस तरह से नगर निगम के अधिकारी आए और किस तरह से आप लोगों को हटाया गया? नगर निगम के अधिकारी आए हमारे कने और आते ही हम लोगों से कहा उन्होंने कि ठेले चाहिए हमारे को। हम लोगों ने ठेले दे दिए उनको, ठेले दिए, माल फेंका फाकी कर रहे थे। हम लोगों ने कहा हमारा माल फेंका फाकी मत करो, तो उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया। चारों तरफ से हमको घेर लिया और हम सब ठेले वालों को बहुत मारा और कहते हैं कि यहाँ से आज के बाद ठेले मत लगा। तो अब आप लोग बताइए हम कहाँ जाए। अच्छा, इसके पहले उन्होंने कोई नोटिस दिया आपको, बताया कि यहाँ से हटाना? नहीं, हमारे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना तो हम तो कोई बोला गया है कि यहाँ से हटाओ। हमसे ये जरूर बोलते हैं कि एक तरफ लगाओ तो हम साइड में लगा लेते हैं, पीछे करने का बोलते हैं हम लगा लेते हैं। अब ये बताइए आप, हम कहाँ जाके बेचेंगे माल? अच्छा, यहाँ पर ये जो ठेले लगते हैं, इन ठेलों के कारण क्या बहुत जाम लगता है? जाम वाम कुछ भी नहीं लगता सर, हम तो साइड में लगाते हैं ठेले दबा के। नगर निगम आते बोले हटाओ, आते भगना पड़ता, भगते आती जब बिना जबरन हटाती है हमारे को। हमारा माल पड़ा था, कच्चा धंधा हमारा। अच्छा, इसके पहले आगे की तरफ बहुत जाम लगता है, वहाँ पे भी फूल मंडी है, वो अभी भी है, आपको हटा दिया गया, इस पे क्या बोल रहे हैं नगर निगम अधिकारी? सर, उनको उनपे कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी, अभी तो फिलहाल हमारे ऊपर ही कार्रवाई हुई है। फूल की दुकान हमेशा लगती है बारह महीने। अच्छा, कल निगम वालों का ये भी कहना है कि पहले उनके साथ आप लोगों ने मारपीट की? आते ही मारा कुटी उन्होंने चालू करी, हम लोग तो हमारे ठेले बचा रहे थे और ठेले हम लोगों के कने वीडियो बनी भी है, बहुत सारी वीडियो बनी भी है। बबलू कल्याण जी ने सबसे पहले हाथापाई चालू की है आते से यहाँ पर। उसके पहले अधिकारी बोल रहे थे कि हमारे अधिकारी आ रहे हैं, हम इंतजार कर रहे थे अधिकारियों का भी, हमारा अधिकारियों ने और अधिकारी का इंतजार करा। अधिकारी जी आए और आने के बाद तक अच्छा की उन्होंने मारा कुटी चालू कर दी। आप देख सकते हैं कल वीडियो भी कितना वायरल है और आप देख सकते हैं बंदे को किस तरीके से मारा था। सबने घटना हुई, कल सभी ने वीडियो भी देखे, तो किसने हाथ उठाया और कैसे हुआ? कैसे वो गुड्डू क्या नाम है, बबलू कौन है वो? बबलू कल्याणी ने आके मेरा ठेला उनने पकड़ लिया था, मैंने ठेला भी दे दिया कि ठेला ले जाओ। और ठेला लेने के बाद में भी मतलब वो एकदम से ऐसे आए और गाली गुप्तारी करी। गाली गुप्तारी करने के बाद डायरेक्ट उन्होंने हाथ छोड़े मेरे ऊपर, सीधे मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, तो फिर अपन ने भी हाथ छोड़ा उनके ऊपर बचाव के लिए। और फिर उसके बाद अपने साथी जितने भी है ठेले वाले, इनने यह अगर नहीं बचाते हमारे तो मैं तो मर जाता है। और आप देख सकते हो वीडियो भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो पूरा वीडियो बना हुआ है सब कुछ। आप कितने लोगों के यहाँ से घर परिवार चलते हैं? यहाँ से 60 से 70 परिवार चलते हैं सर, और सब गरीब हैं। कोई किस परेशानी से लूटते है तो कोई किस परेशानी से लूटते, किसी ने लोन ले रखा है जो समूह लोन मिलता है। कोई आज एक कलम ठेले पे माल भरने के लिए 20 से 25 हजार रुपए की लगती है। अब वो 20 से 25 हजार रुपए कोई भी हर व्यक्ति जो है, कोई कर्ज करके लेकर आया, कोई लोन लेकर आया है, कोई किसी से उधार लेकर आया है, कोई किस परिस्थिति में अपना व्यापार कर रहा है और अपना गुजर बसर कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ सरकार है ना, ठेले वालों को योजनाएं भी ला रही है, बोलती है कि 10,000 रुपए देंगे ठेला लगाए, देंगे उससे सिविल खराब होना। जब 10,000 रुपए अपन चुका, सर हमें 10,000 रुपए मिले नहीं है, 10 रुपए नहीं मिले हमें, तो कोई लाभ का मतलब कोई मिला नहीं है अभी तक की। योजना लागू हो चुकी, कब से हो चुकी, आज से करीब 2-3-4 साल हो गए हैं, बाकी अभी तक हमें कोई लोन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पे ठेले लग रहे हैं, मतलब कब से लग रहे हैं? सालों से व्यापार हो रहा है सर, सालों से व्यापार हो रहा है यहाँ पर। पूरा 20 से 25 साल हो गए जब ये रोड, कॉलोनी के लोग यहाँ पे खरीदने आते हैं। ये रोड भी नहीं बना था तब से व्यापार होता है सर यहाँ पर, पुरानी मंडी है। ये रोड भी नहीं बना था जब से यहाँ पर व्यापार होता है, जब इस तरफ का रोड था और पुल भी छोटा पुल था, तब से यहाँ पर व्यापार होता है। अभी नगर निगम की गाड़ी देख लो, अभी भी देखो साहब 25 साल हो गए धंधा करते करते, और बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, और अभी लोगों से सब कर्जा लिया है, वो सोच सोच के दिमाग खराब हो रही है। काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? हम तो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हमको कोई दादागिरी करने नहीं आए, हम यहाँ हम काम धंधा कर रहे हैं, जिंदगी हो गई हमारे को।
तो ये इंदौर के हम कलेक्टर कार्यालय के पास में हैं और यहाँ पे ठेले वालों का कहना है कि ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई मंडी है जो कई सालों में तैयार होती है। बहुत पहले से ये लोग यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ आसपास की कई कॉलोनी के लोग यहाँ सामान खरीदते हैं। इनका विषय ये भी है महत्वपूर्ण कि यहाँ पर ये ठेले फुटपाथ पे लगाते हैं पीछे की तरफ, इसके कारण कभी जाम लगने की समस्या नहीं आई। दूसरा बड़ा पहलू कि इन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया, इन्हें जानकारी भी नहीं दी गई कि यहाँ ठेले हटाए जाएंगे। नगर निगम की टीम यहाँ पर सीधे आई, इनके साथ हाथापाई की, इनके ठेले गिरा दिए गए। हम देख सकते हैं कि जहाँ आगे जाम लगता है वहाँ पे फूल मंडी पहले से और सबसे ज्यादा जाम वहाँ लगता है। तो स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि इन लोगों के साथ जो कार्रवाई की गई वो वैधानिक रूप से सही नहीं है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।